तो स्वागत है, वेलकम आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, राजस्थान मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2023 के अंतर्गत इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथियों, मैंने आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि सबसे पहले फॉर्म का क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अलग अलग वीडियो के माध्यम से अलग अलग जानकारी दे दी थी। अब आप ये मत पूछिएगा क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं है क्या है क्या नहीं है, सारी जानकारी मैं आपको वैसे इस वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्म डीएलओ के बाद गया, डीएलओ ने अगर कोई क्षतिपूर्ति थी तो मौका भी दे दिया, ऑब्जेक्शन की तारीख भी डाल दी, उसके बाद डीएलओ ने अप्रूव किया और कमेटी को दे दिया, कमेटी ने सूची तैयार कर दी और उसे भेज दी। कहाँ? विशेष योग्यजन का जो निदेशालय है, विशेष योग्यजन का जो निदेशालय है जयपुर में, वहाँ पर आपकी सूची जिलेवार भेज दी। फिर निदेशालय ने क्या किया कि आप जो है जिनका चयन हुआ, अब जिनका चयन हुआ उन्हीं की तो सूची तैयार हुई, अब ऐसा चयन प्रक्रिया होने के बाद आगे क्या होने वाला है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। भाई, चयन किसका हुआ? सबसे पहले तो आप ये बात बताइए कि चयन किसका हुआ? उन्हीं का हुआ जो लाभार्थी है। चयन किसने किया? कमेटी ने किया। फिर उन्होंने उनकी जो सूची है वो तैयार की कि किन किन को स्कूटी देनी है। अब ये सूची उन्होंने कहाँ भेज दी? भाई साहब, सूची भेज दी विशेष योग्यजन का निदेशालय है। अब वो क्या करेंगे? भाई, सेलेक्ट तो हो गया, आपका चयन तो हो गया, स्कूटी में चयन तो हो गया, अब क्या होगा? चयन तो कमेटी ने कर दिया, चयन होने के बाद जो सूची है वो निदेशालय योग्यजन के पास चली गई। अब विशेष योग्यजन निदेशालय क्या करेगा, ये बात आपको समझने की बात है कि विशेष योग्यजन निदेशालय जो है आपका जयपुर में, वो क्या करेगा, ये बात यहाँ पर आपको समझने की है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना साथियों। आइए हम समझते हैं। देखिए, समझ लो कि कोई जिला है और उस जिले का नाम है भीलवाड़ा। समझ लो, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ये भीलवाड़ा जिले में समझ लो कि 10 स्कूटियां, मतलब समझ लो यार, 10 नहीं 50 समझ लो यार, 50 स्कूटियों की सूची तैयार की। किसने की? भाई साहब, कमेटी ने की। अब इन 50 स्कूटी की सूची को भीलवाड़ा के आपका जो विशेष योग्यजन का निदेशालय है जयपुर में, वहां पर भेजेंगे, सेंड करेंगे, ठीक है ना। सेंड बैक नहीं देंगे, सेंड बैक करें, सेंड करेंगे भीलवाड़ा जो है निदेशालय को लिस्ट जो है कि इनको स्कूटी देनी है। अब विशेष योग्यजन निदेशालय क्या करेगा? विशेष योग्यजन का जो निदेशालय है वो क्या करेगा? भाई साहब, ये बात समझने की है। 50 स्कूटियां भीलवाड़ा वाले को देनी है, 100 स्कूटियां चित्तौड़गढ़ जिले को देनी है, चूरू को देनी, ऐसे करते 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 आपका जो है सारा काम हो जाएगा, है ना। फिर आपको जो लिस्ट है, अब ये क्या करेगा, विशेष योग्यजन का जो निदेशालय है, ये आपका जिलेवार बजट पास करेगा। क्या करेगा? जिलेवार बजट पास करेगा कि इस जिले में इतनी स्कूटियां है। समझ लो भीलवाड़ा में 50 स्कूटियां, 50 लाभार्थी है जिनको स्कूटियां देनी है दिव्यांगजनों को, तो 50 स्कूटियों का बजट पास करेगी, ठीक है ना। फिर इन बजट को जो स्कूटियां देनी है वो भेजेगी समाज कल्याण विभाग को। कहाँ भेजिए? समाज कल्याण विभाग जो होता है, हर एक जिले में अलग अलग समाज कल्याण होता है, जिसे हम कह सकते हैं SJE। आई बात समझ में? आपका SJE सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, समाज कल्याण विभाग का जो ऑफिस है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का जो ऑफिस है आपका जिले में, एक जिले में एक समाज कल्याण विभाग होता है और जितने भी काम होते हैं समाज के कल्याण के, वो सारे सामाजिक कल्याण विभाग में काम होते हैं। तो स्कूटी का काम, दिव्यांग जितने भी रिलेटेड काम है, कहाँ होता है आपका? आपके जिले के समाज कल्याण विभाग में आपका काम होता है, समाज कल्याण विभाग में ये काम होता है। मेरी बात आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। सबसे पहले कमेटी ने सूची तैयार की कि इस जिले में ये दिव्यांग है और इन इन दिव्यांगों को स्कूटी देनी है, ठीक है, आपका हो गया चयन। फिर इस चयनित सूची जो तैयार की है लाभार्थियों की, ये सूची जाएगी विशेष योग्यजन का जो निदेशालय है जयपुर के बाद, जयपुर के पास ये भेजी जाएगी। फिर जयपुर वाले क्या करेंगे कि जिलेवार बजट पास करेंगे कि भाई चूरू में 50 है, बांसवाड़ा में 10 है, चित्तौड़गढ़ में 100 है, भीलवाड़ा में 150 है, गंगानगर में इतनी है, इस जिले में 33 जिले जो भी है आपके वर्तमान में 33 है, ठीक है ना, इन 33 जिलों के हिसाब से आपकी स्कूटियाँ जो है आवंटित, मतलब जो है सूची के बजट पास किया जाएगा। जिलेवार बजट पास करेंगे, ध्यान रखना जिलेवार बजट पास होगा कि भाई चित्तौड़गढ़ में 50 है और भीलवाड़ा में 100 है, तो 100 का बजट ज़्यादा है और 50 का तो कम है ना, तो अपने अपने जिले के हिसाब से जो समाज, जो आपका विशेष योग्यजन का जो निदेशालय है वो बजट पास करेगा और उस बजट को
और उन लाभार्थियों की सूची को भेजेगा वो आपके जिले के, जैसे आप चित्तौड़गढ़ से हो और आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो विशेष योग्यजन का निदेशालय क्या करेगा, चित्तौड़गढ़ का जो जिला है वहाँ का जो समाज कल्याण विभाग है उसको भेजेगा सूची और वो बजट कि इनको स्कूटियाँ देनी है, फिर अपना काम करेगा बजट। अब बजट जो है काम करेगा, और बजट का काम कौन करेगा, ये समाज कल्याण विभाग का भी इधर काम है, ध्यान रखना समाज कल्याण विभाग भी काम करने वाला है। समाज कल्याण विभाग क्या काम करने वाला है ये भी मैं आपको अलग अलग वीडियो में बता दूंगा कि उसके बाद क्या होगा, ठीक है ना। तो आपका चयनित होने के बाद आपका फॉर्म क्या करेगी, विशेष योग्यजन निदेशालय है बजट पास करेगी और उस बजट को और उन सूची को जिलेवार अपने अपने जिले में भेजेगी, यानी आपका जो समाज कल्याण विभाग है ना वहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो जाने वाला है। इसमें कोई शंका वाली, कोई डाउट वाली, कोई दोहराए वाली बात नहीं है, बता दिया मैंने। फिर एक बार और बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी से ध्यान से सुन लीजिएगा। आपकी सूची कौन तैयार करेगा, सूची तैयार करेगी कमेटी जिलेवार। फिर इन सूचियों को कहाँ भेजेगी, लाभार्थियों की सूची को विशेष योग्यजन निदेशालय जयपुर में भेजेगी। विशेष योग्यजन निदेशालय क्या करेगा कि जितने भी स्कूटियाँ आई है जिलेवार उनका बजट पास करेगी, है ना, बजट पास करेगी, आपका बजट स्कूटियों का बजट पास करेगी। फिर इस बजट को भेजेगी कहाँ, जिलेवार। जैसे चित्तौड़गढ़ में 10 स्कूटियाँ आई है तो 10 का 10 लाख रुपए ऐसे समझ लो, जितने भी स्कूटी की रेट है उसके हिसाब से बजट पास करेगी निदेशालय। फिर वो बजट भेजेगी कहाँ पर, आपका समाज कल्याण विभाग का, आपका जो समाज कल्याण विभाग है आपके जिले का वहाँ पर भेजेगी। फिर वो अपनी प्रक्रिया करेगी, समाज कल्याण विभाग अपनी प्रक्रिया करेगी आगे, ये क्या करेगी ये भी मैं आप लोग अगले वीडियो में बता दूंगा। तो ये थी छोटी सी जानकारी इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार है, दिव्यांगजन से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और भी अगर आपके दिमाग में स्कूटी से रिलेटेड कोई भी शंका है, डाउट है, क्वेश्चन है, प्रश्न है, कुछ भी है, तो आप जो है बिंदास इस वीडियो के कमेंट के नीचे लिख सकते हैं, ठीक है ना साथियों। बस आज के इस वीडियो में इतना ही।